आपने कौन सी साड़ी किया बताओ? आपकी साड़ी के क्रम अगर आपने किया तो क्रम में आप हैंड स्क्रीज किया है, कोशिश करोगे मैं स्टॉम्प भी करता स्टॉम्पिंग स्टैप। और जब भी हम क्रम सेशन करते हैं तो हैंड्स में टाइट रहते हैं, बिना टाइट ही बस नहीं बस मतलब आपकी चाहिए अपनी एनर्जी को फिर से स्टोर करने के लिए बॉडी के अंदर क्रम क्लियर चेंज करते हैं हम और जब मैटनेस करते हैं बॉडी टाइट रखो और यदि टाइट रखो तो कंट्रोल कर सको की बॉडी को, ठीक है। और फिर आपने साड़ी में क्रम किया अच्छा लगा तो बहुत मजा आ गया, बीच में थोड़ा लूज कर दो कटिंग मत करो क्रम भी करो कटिंग साइड ऑल इन माइंड पूरी कटिंग अच्छे से रन करते हैं, ठीक है। और अभी आगे जाके थोड़ा सा थोड़ा पावर थोड़ा लूज किया पावर थोड़ा लूज ऐसे भी होना चाहिए, क्रम भी यही होता है कि हाई 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 एंड ओवर है यही चीज, ठीक है। जब भी क्रम करो पूरे फील करो, फील आपको बहुत परफेक्ट है स्पेशल अच्छे से और कोरियोग्राफी भी आपकी परफेक्ट थी आपकी कुछ मूव्स नहीं हुई बहुत अच्छे लगे बहुत अच्छी राइटिंग है आपकी, मुझे आपको देखने पता किसकी याद आई, एक डीआरडीओ के मास्टर में आया था सचिन चौधरी उसकी याद आ गई आपको देख के, बड़ा एनर्जेटिक परफॉर्म था यार आपका। और जो आपने स्टार्टिंग में सॉन्ग किया था वो नी पे क्या बात लगी तो नहीं मिलेगी, और आपका एक्सप्रेशन तो पता ही होगा आपको, अभी तक कहीं भी परफॉर्म किया है वैसे इससे पहले कहाँ कहाँ किया? अच्छा अच्छा क्या बात है, एक्सपीरियंस दिख रहा था आपके फॉर्म में कि आपको है अच्छा इस चीज का, नेक्स्ट टाइम अगर करोगे ना थोड़ा जो शाम सर ने बताया आपको ध्यान रखना, ओके थैंक यू। इलेश आपके टीचर आए हैं बुलाओ आपको, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है इसको क्रम के अलावा और कोई सी फॉर्म ना कराए जाए, बाकी थोड़ी सी एनर्जी पीक हो गई थी आपके स्कूल का नाम क्या है? क्या नाम है? SMSSN बड़े शॉर्ट में लिख दिया आपने समझ में नहीं आया शॉर्टकट में लिया करो कोई बात नहीं थैंक यू।